करण एक नए हॉबी के बारे में बता रहा है। तो ये स्टंट काइट्स है मेरे पास में, जो मैं अब फिलहाल तो नहीं कैरी कर रहा हूँ। बट फर्स्ट ऑफ ऑल स्टंट काइट्स क्या होते हैं? काइट्स तो हमने देखे हुए हैं, स्टंट काइट्स मतलब कुछ साइज में बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, या नॉर्मल काइट्स की तरह ही हम कहीं पे भी उड़ा सकते हैं, वैसा कुछ है सिचुएशन? नहीं, ये वेरियस साइजेस और शेप्स पे आती है, डिपेंड करते हैं आपकी स्किल क्या है। तो बेसिकली ये फोल्डिंग नायलॉन काइट्स है, जिससे आप दो स्ट्रिंग से हैंडल से अटैच करके और आप वेरियस स्टंट्स कर सकते हो। हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रवीण होराइजन। अभी हम जहाँ पे खड़े हैं, आप कह सकते हो गेट टू नेचर। तो मेरे साथ है आज के ट्रेल पे है करण, जो कि है उसके स्नेल एमटीबी पे, और हस्ती स्कॉट एमटीबी 750 और मेरा 740 है। सो वी आर बोथ ऑन स्कॉट्स और करण है स्नेल के साथ। सो गाइज, जब भी आप ऑफ रोडिंग स्टार्ट करोगे तो आपकी क्लोथिंग भी वैसे ही होने चाहिए। जैसे आप देख सकते हो कि यूजुअल क्लोथिंग की तरह मेरे आज का क्लोथिंग नहीं है। आई एम वेयरिंग फुल स्लीव्स टी शर्ट और आप देख सकते हो ट्रैक पैंट भी है। ये क्यों? क्योंकि आप एंटर कर रहे हो फॉरेस्ट एरिया में, बुशी एरिया में, जहाँ पे इंसेक्ट्स हो सकते हैं और मॉस्किटोज हो सकते हैं, एटलीस्ट टिल नी लेंथ तक। और उसके बाद आपके पास सॉक्स हो तो नी लेंथ तक सॉक्स पहन लेना। सो दिस इज़ अ फर्स्ट टिप। बट इतना पैच कैसे लगा? Cool, this was a good ride. ये पूरा अगर सूखा होता ना तो आगे तक जाके जा सकते थे। ऑफ रोडिंग में ऐसे छोटे छोटे ब्रिज भी, कच्चे ब्रिज भी बहुत अच्छे लगते हैं, वुडन ब्रिज। फ्रैंकली स्पीकिंग, ये ट्रेल कहाँ पे हेड कर रहा है मुझे भी नहीं पता, सॉरी गाइस, क्योंकि बहुत सारे ट्रेल्स क्लोज थे, वहाँ पे भी पेड़ गिरा हुआ था। सो आई टेक अ डिटोर, आई डोंट नो कहाँ पे हेड करेगा, बट वी आर एंजॉइंग। यस गाइस, जो भी हमें रास्ते में मिल रहा है, इट इज़ अमेजिंग नेचर। मेरे पीछे आप देख सकते हो हर जगह पे पूरा नेचर है, पॉन्ड है। जब तक करंट मज़े ले रहा है झूले के, और एक चीज़ बता देता हूँ कि आपके शूज़ भी उतने इम्पॉर्टेंट है जब आप ऑफ रोडिंग पे आते हो। सो कवर यूर फुट्स प्रॉपरली, शूज़ पहन लेना। आई विल सजेस्ट अच्छे खासे ट्रेल शूज़ अगर आपके पास हो तो वो प्रीफर करना, क्योंकि वो ज़्यादा ग्रिपी भी होते हैं तो पेडल पे अच्छे खासे जम जाते हैं। सो स्लिप होने का चांसेस कम होता है ऑफ रोडिंग पे। वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपके पास स्पोर्ट्स शूज़ हैं तो चल जाएंगे ऑफ रोडिंग के लिए, बट बी केयरफुल, क्योंकि स्पोर्ट्स शूज़ में लेस होता है और लेस खुल गया और वो आपके पेडल में फंस गया तो और भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। सो अवॉइड लेस वाला शूज़, मेरा विदाउट लेस है। मेरे आगे जाएगी अभी हस्ती। करण कहाँ पे रह गया? आ जाओ जल्दी। हस्ती के पीछे तो ऑलरेडी ऑफ रोडिंग के मार्क्स आ गए, पूरा कीचड़। सो दिस इज द साइन ऑफ ऑफ रोडिंग। प्लांट के बहुत सारे फ्रूट्स है और ये काफ़ी इची होते हैं अगर आप रखोगे ज़्यादा टाइम तक, तो इसकी वजह से फुल स्लीव्स ज़रूर पहन के आना। मेरी साइकिल यहाँ पे पड़ी हुई है, वो भी थक गई है, और आप देख सकते हो नज़ारे, ये है अमेजिंग गोराई। हस्ती कहाँ पे गई? इधर ही हूँ। यस हस्ती, तो ये है तुम्हारा बर्थडे प्लेस, यू कैन सेलिब्रेट। यस, तो ये है तुम्हारा स्पेशल प्लेस। आते वक्त ऐसा लगा था कि यहाँ पे आएंगे हम? नहीं। जब भी आप ऐसे फॉरेस्ट एरिया पे साइकिलिंग करते हो, फॉरेस्ट एरिया में साइकिलिंग करते हो, ऐसे टेरेन पे साइकिलिंग करते हो, तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिड सा क्लाइमेट होता है, उसकी वजह से आपका स्वेट भी ज़्यादा बाहर आता है और आपको प्यास भी उतनी ज़्यादा लगती है। सो कैरी सफिशियंट वाटर बॉटल्स, दो वाटर बॉटल्स तो होनी ही चाहिए। इन्वेस्ट इन गुड हेलमेट ऑल्सो,
क्योंकि एक गुड हेलमेट ही आपको बचा सकता है ऑफ रोडिंग पे अगर आप गिर जाते हो तो। और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपके हेलमेट को ये छोटा सा लिटिल वाइजर होना ज़्यादा ज़रूरी है। उसका इंपॉर्टेंस इतना है ऑफ रोडिंग में कि अगर आप गिर जाते हो तो, अगर आप फेस साइड गिर जाते हो तो ये लिटिल वाइजर ही आपको बचाता है, क्योंकि आपके फेस के और ग्राउंड के बीच में ये लिटिल वाइजर थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखता है और यू नॉट हर्ट मच। आपका नोज़ या आइज़ है वो थोड़े बच जाएंगे। आते आते करण ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था कि ये हाइड्रोलिक ब्रेक्स है क्या साइकिल को आपके। सो यस, वी हैव अ हाइड्रोलिक ब्रेक्स और करण के इसमें वायर ब्रेक है, बट डिस्क ब्रेक है, बट मैकेनिकल डिस्क ब्रेक है, और हमारे यहाँ पे हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक है। तो यस, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। मैकेनिकल डिस्क ब्रेक में आपकी वायर आएगी अंदर से जो कि आपका फ्रिक्शन बढ़ाएगी, ओके, और ओवर द पीरियड वायर जल्दी रस्ट कर जाती है तो वो चेंजिंग का इशू भी आता है। वेयर एज इन हाइड्रोलिक ब्रेक्स आपका फ्लूइड आता है और फ्लूइड होने की वजह से ब्रेकिंग सिस्टम है वो ज़्यादा स्मूथ हो जाती है एज़ कम्पेयर टू। क्या तुम मेरा ब्रेक दबा के देखोगे खाली, जस्ट तुम्हें क्या डिफरेंस फील हो रहा है? सो आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट पॉइंट। और तुम्हारा ब्रेक एक बार दबा के देखना और देन देखना, ठीक है? इज देयर मच डिफरेंस? इसमें पुल फील होता है, इसमें बहुत स्मूथ है, इसलिए मोर लाइक अ क्लच। करेक्ट, क्योंकि इसमें फ्लूइड है। हाइड्रोलिक ब्रेक्स के लिए जो नेसेसरी असेंबली होती है दैट इज कंसिस्ट ऑफ, एक आपका ब्रेक लीवर आएगा जो आप दबाते हो, ओके, देन यहाँ पे एक फ्लूइड के लिए कंपार्टमेंट आएगा, ओके, देन आपका आएगा फ्लूइड लाइंस, दैट इज हाइड्रोलिक लाइंस आएगी जहाँ से आपका वो फ्लूइड मूव होते रहता है, और वो पीछे आएगा आपके यहाँ से अभी आप देख नहीं पाओगे, बट ये ब्रेक असेंबली है बेसिकली। यहाँ पे भी पिस्टन्स होते हैं, यहाँ पे ब्रेक पैड्स होते हैं। तो जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स है वो एक थ्योरी पे चलते हैं। आज थोड़ी साइंस की भी बात हो जाएगी हाइड्रोलिक्स ब्रेक एक्सप्लेन करते करते। गाइज, ये जो ब्रेक्स वर्क होता है उसका जो साइंटिफिक बैकग्राउंड है वो है पास्कल्स लॉ। अभी पास्कल्स थ्योरी क्या है वो एंटायरली एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा, बट आई विल गिव यू वन सिंपल एग्जाम्पल कि आपके पास दो फ्लूइड के बकेट्स है जहाँ पे पानी भरा हुआ है, वाटर है, और समझो बकेट ए है और बकेट बी है, और दोनों बकेट नीचे से अगर आप एक ट्यूब से जॉइन कर देते हो तो फ्लूइड जो है वो एक बकेट से दूसरे बकेट में फ्लो हो सकता है। तो आप जब बकेट ए में प्रेशर देते हो तो वही प्रेशर एग्जर्ट होता है बकेट बी में और वहाँ का पानी ऊपर आ जाता है। सो हाइड्रोलिक ब्रेक्स इज वर्किंग ऑन दैट मैकेनिज्म ओनली। जब आप ब्रेक लीवर दबाते हो तो फ्लूइड पे प्रेशर आ जाता है और वही प्रेशर एग्जर्ट होता है आपके ब्रेक पैड्स पे। नोटिस किए है कि ये डिस्क एंटायरली मेटल की बनी नहीं होती है, इसमें बहुत सारे गैप्स होते हैं, बहुत सारे होल्स होते हैं। ये क्यों होते हैं? गाइज, मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अगर आप एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग पे हो और ज़्यादा फास्ट जा रहे हो तो जब भी आपका ब्रेक पैड आपके डिस्क दबाता है, मतलब आप प्रेशर एग्जर्ट होता है, तो डिस्क बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, हीट जनरेट होती है रोकने के लिए। तो अगर मेटल गुड कंडक्टर होता है तो ये हीट होती है पूरे डिस्क में अल्टीमेटली सप्लाई हो जाएगी और शायद आपका ब्रेकिंग बराबर से नहीं हो पाएगा। बट जब भी आपके डिस्क ब्रेक को जो छोटे होल्स होते हैं या गैप्स होते हैं उसकी वजह से हीट है पूरे मेटल पे फैल नहीं पाती है। बेसिकली एक्सट्रीम ब्रेकिंग पे वो डिस्क कूल होती है एज़ कम्पेयर टू पूरा मेटल का डिस्क हो तो। और उसका ये भी सेकेंड यूज़ है कि जब भी आप ऑफ रोडिंग टेरेन पे जाते हो तो बहुत सारा कीचड़ या पानी होता है, तो अगर पूरी मेटल की डिस्क होगी तो उसके वो जमा हो जाएगा वो डिस्क और पानी पूरा, और आपका ब्रेकिंग अच्छा नहीं हो पाएगा। बट ड्यू टू दिस गैप्स एंड होल्स पूरा जो मिट्टी पानी मड जो भी है वो इजीली निकल जाता है और आपका ब्रेकिंग स्ट्रक्चर वैसे के वैसे ही रहता है। कैसा फील हो रहा है डाउन हिल पे? टायर्स रुकते ही नहीं है ना? और डाउन हिल करते हो तो सीट पोस्ट भी थोड़ा नीचे कर लेना। अभी मैं थोड़ा सा लेजी हो रहा हूँ इसलिए नीचे नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही ट्राई कर रहा हूँ, बट इट इज़ वेरी मच डेंजरस अगर सीट पोस्ट ज़्यादा ऊपर है तो। तो आप देख ही सकते हो कि करण शूज़ की लेस बांध रहा है, यही प्रॉब्लम होता है जो मैंने एक्सप्लेन किया था। और हस्ती भी सेम चीज़, हस्ती के साथ भी। यहाँ से जो मेरे सामने में जो व्यू देख रहा हूँ, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट व्यू इन गोराई। हस्ती, क्या तुम बताओगी व्यूअर्स के लिए कि व्यू कैसा है यहाँ से? द व्यू इज अमेजिंग, यू कैन सी द माउंटेन्स, द फॉग, द सिटी उसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा,
करण तुम जोर से बताना। Stunning. You can see the skyline and nature. Like it's a contrast between the city and the wildlife here. तो इन्होंने जो एक्सप्लेन किया मैं दिखाता हूँ, इफ यू गाइज आर एबल टू सी थ्रू माय कैमरा लेंसेस, वैसे भी कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पाएगा ये व्यू के लिए, आपको राइड करके ही आना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई आई लव एमटीबीज। दिस इज द फाइनल डेस्टिनेशन गाइज, यहाँ पे हॉल्ट करेंगे। मेरे पीछे करण का फोटोशूट हो रहा है। तब तक हम और एक मैंडेटरी चीज़ की बात कर लेते हैं कि ऑफ रोडिंग के टाइम पे आप हैंड ग्लव्स पहनना, फुल फिंगर हैंड ग्लव्स, इट इज़ वेरी मच मैंडेटरी। अगर आप गिर जाते हो तो आपका पाम या फिंगर्स छीलने का ज़्यादा चांसेस है। सेकेंड थिंग, आपके साथ एक हैंडपम्प होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक्स्ट्रा टायर ट्यूब होना, ठीक है, जो कि आज करण के पास नहीं था, बट मैंने उसको बताया है कि नेक्स्ट टाइम से वो कैरी करना। हस्ती के पास टायर ट्यूब थी लेकिन पंप नहीं था, तो वो मेरे पास था, तो एटलीस्ट ऐसा मैनेज कर लेना कि अपने बड़ी के साथ, बड़ी के पास अगर एक गैजेट नहीं है जो कि इसेंशियल गैजेट है, तो अपने साथ वो कैरी करना ताकि वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता रहे। इसका 27.5 साइकिल है इसलिए मेरे पास वो ट्यूब है तो चल जाएगा, बट एक साथ दोनों के टायर अगर पंक्चर हो जाते हैं तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। बहुत सारा डिटूर करके करके हम यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, बहुत सारे डेस्टिनेशंस पार करके यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो ये तो हो गया मेरा एक्सपीरियंस, अब हम पूछते हैं कि हस्ती को कैसे लगा। हस्ती तो हमारी आज की बर्थडे गर्ल है, तो हस्ती कैसे लगा आज का राइड? बर्थडे के लिए इट वाज अमेजिंग, आई मीन दिस इज समथिंग आई रियली वांटेड टू डू, एंड द ट्रेल्स वर आल्सो अमेजिंग, जितना किया वो डिटूर भी अमेजिंग था, जितना आपने हमको घुमाया। यार ये मेरी अच्छा ही कर रही है बुरा ही कर रही है समझ में नहीं आ रहा है। थैंक यू सो मच। ओके ठीक है, और करण तुम्हारा कैसा रहा आज का दिन? बहुत मजा आया, स्पेशली क्लाइम्स जो है एकदम यू नो देयर इज अ किलर, एंड डाउन स्लोप्स आर सो फैंटास्टिक। ये जगह के बारे में मेरे को बिल्कुल पता नहीं था, थैंक्स टू प्रवीण, लाइक वी आर हैविंग अ गुड टाइम हियर इन नेचर, दिस इज द बेस्ट यू कैन हैव, अ परफेक्ट वीकेंड। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो ये तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में जो बेल आइकॉन है वो भी ऑन कर देना, ऑल नोटिफिकेशंस आइकॉन प्रेस कर देना, ताकि जब भी मेरे नए वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको आते रहेंगे। और अगर आपने ऑलरेडी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, एंड ज़रूर मुझे बताना कि नेक्स्ट टाइम आप कहाँ पे जाना पसंद करोगे मेरे साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड कीप एक्सप्लोरिंग न्यू साइकिलिंग होराइजन्स। बाय बाय गाइज, बाय बाय। सो घूम के अभी हम आ गए गोराई में भी एक अनदर डेस्टिनेशन पे, स्पॉट पे। एक्चुअली घर पे जाना हो ही नहीं रहा है, जितने भी स्पॉट्स आ रहे हैं हम रुक रुक के जा रहे हैं। दिस इज़ वन काइंड ऑफ अमेजिंग नेचर एट गोराई, आप देख ही सकते हो मेरे पीछे हस्ती, करण और आगे प्रतीक। ओ हस्ती हाई कर रही है, सॉरी। और मेरे आगे प्रतीक है, करण भी है, सब इन्जॉय कर रहे हैं। क्या पता हम कब घर पर जाएँ, समझ में नहीं आ रहा। हमारी साइकिल्स वहाँ पर, and we are loving it, enjoying it. नहीं बट अभी सही में बाय, मिलते हैं।